हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर रेखा बिंदा। सो आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरे दिन में हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं। तो यस, स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ। अभी मैं सोकर उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ एंड यस, तो अभी बाहर का मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बारिश वाला तो नहीं हो रहा और ना ही धूप वाला हो रहा है, थोड़ा अजीब सा ही मौसम हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। यस, तो अभी चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस, यहाँ पे गुनगुन अभी सैंडविच की तैयारी कर रही है। गुनगुन क्या कर रहे हो? अभी मैं कॉर्न उबाल रही हूँ और उसके बाद मैं सैंडविच बनाऊंगी। अभी इसने कॉर्न उबालने के लिए रख दिया है और ये आज सैंडविच बनाने वाली है। एंड आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लौकी कटिंग। सब्जी किस चीज़ की बन रही है? आलू लौकी। और ये इन्होंने अभी लौकी कट कर दिया है, आलू। आज हमारे घर में बनेगी आलू और लौकी की सब्जी। यस, अभी वॉश हो रहे हैं। तो गाइस, मैं फिर दिखाती हूँ आपको जब वॉश वगैरह हो जाएगा सब। तो अभी ब्लिंकिट से हमने सुबह सुबह ही कुछ सामान मंगाया है। ब्रेकफास्ट में आई थिंक सैंडविच आज बन रहे हैं। गुनगुन सैंडविच बना रही है आज, टुडे, है ना। अभी मैंने ये तैयार कर, अभी ये फिलिंग तैयार हो गई है सैंडविच की और उसके बाद गुनगुन सैंडविच बनाएगी। टेस्टी टेस्टी, यम यम। सब्जी अभी धीरज ने काट तो दी थी बट अभी बनाई नहीं है सब्जी, तो फिर वो सब्जी बनाएंगे। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लंच की तैयारी होगी। गाइस, मैं अभी यहाँ आई हूँ इस रूम में और आप देख सकते हो इनको, ये लेटे हुए हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो? फोन देख रहा हूँ। क्यों? मेरा काम फिनिश हो गया। क्या काम फिनिश हो गया? अभी तो आपने कुछ काम भी नहीं किया। ये भी ये लेटे हुए हैं यहाँ पे। खा लिए ना तुम? खा लिए? मैं तो नहीं खाता। तो गाइस, ये अभी बादाम दे दिए थे हमने रात को और अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। मैं अभी धीरज को दे के आती हूँ बादाम। धीरज, बादाम छील दीजिए प्लीज़, ये रात में शौक करे थे, छील दीजिए। खाएगा कौन? आप। ठीक है। तो गाइस, जब तक बादाम छिलते हैं मैं लेट जाती हूँ और ये बादाम छिलकर मेरे मुंह में आ गया है। यहाँ पे बादाम छीला जा रहा है। अभी पार्सल आया है और मैं देखती हूँ पार्सल में क्या है, मैं उठ जाती हूँ। सुबह सुबह ही आज हमारा पार्सल आ गया है और चलते हैं। तो गुनगुन ने यहाँ पे अभी पार्सल रिसीव कर लिया है और देखते हैं क्या आया है आज पार्सल में। क्या गुना, चलो देखते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग देखते हैं क्या है पार्सल में। तो गुनगुन दिखाओ। तो हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पार्सल रिसीव हो गया है और क्या मंगाया है हमने?
वाओ, हमने क्लिप्स मंगाई हैं तो ये क्लिप्स सुबह सुबह आ गई हैं। गाइस बताना कैसी लग रही हैं आपको दिखने में। सो गाइस अभी गुनगुन ने बिल्कुल सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दिया है, सब फिलिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है और अब ये बना रही है सैंडविच। आप देख सकते हो आज ना गाइस सैंडविच मेकर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सैंडविच मेकर में आज नहीं बन पा रहा है, तो आज तवे पे ही बना रहे हैं हम लोग। या ये गुनगुन ने पहले इसमें ऑलिव ऑयल डाला एंड जो सैंडविच था उसको अब इस पर रख देगी और बहुत अच्छे से सेकेगी फिर इसको, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑलिव ऑयल। या और ये सिकने के बाद इसको उसने पलट दिया। बहुत ही टेस्टी आ सैंडविच बनने वाला है गाइस, और मैं बिल्कुल खाने के लिए मतलब रेडी हूँ। और या जब सैंडविच बन जाएगा तो फिर आपको दिखाती हूँ। ओके ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, यमी यमी ब्रेकफास्ट हम लोगों का रेडी है। तो अभी यस तो अब बैठ जाते हैं बेड पर क्योंकि बिग बॉस देखते देखते ब्रेकफास्ट करेंगे। तो या ये अभी चाय डाल रहे हैं कप में और ये हैं हमारे सैंडविच हैं। यस बहुत देखने में यम लग रहे हैं। गुन्नू आ जाओ। ये नमकीन का डिब्बा भी गुनगुन ले आई है यहाँ पे। अभी ये देखिए गाइस इसमें रस है, इसमें दाल सेम है और ये इसमें नमकीन है थोड़ा। तो कहीं तो डालेगा। मनीषा भी वहाँ पे खड़ी है लेकिन वो उसको ऐसे टॉर्चर नहीं करती, रोज तो ये तू लग रही है मुझे। ना मैं दे रही हूँ सारा दिमाग बुद्धि है क्या? कोई भागेगा तो है इंसान, छुपा के तो रख नहीं सकता। गाइस बिग बॉस में अभी मतलब टास्क चल रहा है, टिकट टू फिनाले के लिए अभी टास्क चल रहा है और सब लोग बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस हम लोगों को देखने में। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और हम लोग अभी देख रहे हैं बिग बॉस। क्या तो अभी देखते हैं और फिर आगे क्या करते हैं पूरे दिन आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारे झाड़ू लग रही है। तो गुनगुन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने में लगी हुई है। गुनगुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पोछा लगा रही है। काफ़ी मेहनती लगती है, बिल्कुल घर को साफ और स्वच्छ रखती है सफाई करके बहुत अच्छे से। और ये गुनगुन का फिश टैंक है, ये देखिए इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। और अभी गाइस हमने नया नया शिफ्ट कराया है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर बिखरा रहता है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा अभी आपको होम टूर दूंगी मैं बाद में जब हमारा अच्छे से हो जाएगा सेटल। या गाइस सच में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस बहुत तेज़ बारिश है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी बारिश हो रही है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश आ रही है और बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। देखो गाइस कैरम में लगे हुए हैं, अभी कैरम खेल रहे हैं और गेम के फ्रूट्स हैं यहाँ पे।
फ्रीज करके रख दिए हैं। तो ये गाइस ये दोनों लोग कैरम खेल रहे हैं। गाइस मुझे भी खिला लो। आ जाएगा। बंद कर दो। यहाँ से गाइस बहुत तेज बारिश लग रही थी तो ये लोग बंद कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं खोल देती हूँ थोड़ा। सच में बारिश बहुत ज़्यादा तेज है। पानी आ रहा है, ये भी बंद ही करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी बौछार आ रही है पानी की। तो गाइस अभी देखते हैं किचन में कुछ आई थिंक काम हो रहा है। देखते हैं क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है। सब्जी तो कट हो गई थी गाइस, अब जो है सब्जी बनाई जा रही है धीरज के हाथों से। ये खुल गए हैं मसाले एंड तेल गरम हो रहा है इसमें। अब सैफ आ गए हैं सब्जी बनाने के लिए। ये तो भैया बनाती नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है बनाना। अच्छा गाइस ये देखिए मेहनती है काफी। भैया मेरे से ही बनवाती है, जब भी बनवाती है दिन रात। रो रही कि वो खुशी से बनाओ ना। जब देखो मैं ही खाना बनाता हूँ भाई। सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, दोपहर का लंच और रात का डिनर। गुनगुना बनाया ब्रेकफास्ट आपने ना बनाया भाई। एक दिन बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात। अब तुम ऐसा रो रो के खाना बनाओगे तो बताओ ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छा बनाऊंगा मैं। मतलब आप खुश हो सब्जी बनाने में या दुखी हो। बहुत ज्यादा खुश। खुश हो। आई एंजॉय कुकिंग। ये आलू और घी की सब्जी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको खाने को आप और अब हमें एक सिटी का ही दे जाते हैं। तो गाइस मैं अभी नहा ली हूँ, नहाकर रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा भी मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद सब्जी तो रेडी हो गई थी। सब्जी तो जैसे कि आपको पता है धीरज ने बना दी थी। और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर लंच का टाइम हो जाएगा। तो उठ रेस्ट करने के बाद उठकर दिखाती हूँ आपको कि हमने लंच में क्या क्या खाया। ओके तो गाइस अब मैंने काफ़ी देर रेस्ट कर लिया है और अब लंच का टाइम भी हो गया है। तो पहले लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ और क्या करते हैं। क्या खा लूँगी। ओ गॉड, इट्स वेरी। तो लंच आ गया है। तो गाइस लंच आ गया है। लंच में आलू और लौकी की सब्जी है, चटनी है एंड दो रोटी और कढ़ी। कल शाम बनाई थी, ये भी मैं ले रही हूँ थोड़ी सी साथ में। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। डेली व्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।